तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और ये काफ़ी इजी है। देखो बच्चों फाइंड ये करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ पहले ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं निकालता हूँ 5C, और फिर जब ये निकाल लूँगा ना फिर मैं एक दोनों को साथ में रख दूंगा। मैं ऐसे ही करता था एग्जाम में, या मैं जब मैं छोटी क्लास में था, 10th में था, मैं ऐसे ही करता था ये मैट्रिक्स सॉल्व। ठीक है, पहले मैं ए बी निकालता था, तो पहले मैं ए बी निकालता हूँ, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बड़े आराम से निकालो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी मैट्रिक्स पे। ठीक है, ये काफ़ी इजी चैप्टर है और इस पे आपके एक भी आंसर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ठीक है बोर्ड्स में। चलो भाई पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, तो फिर मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। 3 0 0 7 5 35 राइट, फिर 3 2 6 और 7 सॉरी कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे 3 0 0 7 5 35, फिर 3 2 6 और 7 3 21। ठीक है, बस आप इसको आप बिल्कुल अच्छे से करना है इसको। फिर रो मैंने यहाँ पे इसको लिया, इस पे उंगली लगा दो, फिर 2 0 0 0 + 4 5 20, फिर 2 2 4 और 4 3 12। बच्चों बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें ना, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा 27 20 और हो जाएगा 16। तो बच्चों देखो जो मेरे पे ये ए बी था ये मेरा इतना है। अब यहाँ पे 5C निकाल लेता हूँ, 5C काफ़ी इजी है, सिर्फ सी पे 5 मल्टीप्लाई करना है, सी पे 5 मल्टीप्लाई करना राइट। तो सी पे 5 मल्टीप्लाई करूँगा सब में, तो 5 1 5 ठीक है, -5 5 25, -25, 5 4 20, -20, 5 6 30 ठीक है। तो ये देखो 5C आ गया मेरे पे डायरेक्ट इतना। ठीक है, अब ये मेरे पे 5C आ गया, मैं इसको गोला कर देता हूँ, और ए बी आ गया, मैं भी इसको गोला कर देता हूँ। अब मैं सीधे सीधे इसको इवेल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे यहीं पे कर लेता हूँ है ना। हाँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो, ए बी -5C = 2। तो ए बी कितना है बच्चों मेरे पे, 35 27 20 और 16, -5 -25 -20 और 30। तो बच्चों इसको हम इवेल्यूएट करूँगा तो कितना आने वाला है देखते हैं। ओके जी, तो 35 -5 कितना हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे, हाँ स्पेस है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है ठीक है, तो 35 -5 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 ठीक है, फिर 27 -, तो 27 + 25 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 52, और 20 -, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40, और बच्चों 16 -30, 16 -30 होता है बच्चों -14, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 30 52 40 और -14 राइट। तो काफ़ी इजी था ये, तो चलो नेक्स्ट करते हैं।